नमस्कार, जनपद में आपका स्वागत है। आपके शहर की खबरों के साथ मैं हूं हेमेंद्र सिंह। मुखिया और पंचायत सेवकों पर मनमानी का आरोप लगाते हुए सासाराम में वार्ड सदस्यों ने धरना दिया है। मिली भगत कर पंचायत में योजनाओं में गड़बड़ी करने का आरोप लगाया है। कई सदस्यों का कहना है कि नल जल योजना के अलावा सात निश्चय की विभिन्न योजनाओं में जनप्रतिनिधियों की अवहेलना की गई। वार्ड सदस्यों के खाते में राशि हस्तांतरण करने में मुखिया और पंचायत सचिव आनाकानी कर रहे हैं। बार बार शिकायत करने के बावजूद इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हम लोग का मांग है कि पंचायत में जो राशि वार्ड सदस्य के खाते में आ रहा है उसमें पंचायत सचिव और मुखिया लोग पैसा डालने में आनाकानी कर रहे हैं और डाल रहे हैं तो कहीं कहीं लोग कमीशन के लिए बहुत परेशान कर रहे हैं। उसी के विरोध में आज हम लोग एक दिवसीय वार्ड सदस्य महासंघ रोहतास की तरफ से धरना प्रदर्शन का आयोजन किया है। क्या नाम है? मनोज उपाध्याय, संस्थापक वार्ड सदस्य संघ बिहार। शाहबाद थाने में तैनात रवीन कुमार और दीपक पर घूस लेने का आरोप लगाया गया है। गवाही का वारंट लेकर पहुंचे इन दोनों पुलिसकर्मियों ने कार्रवाई रुकवाने के नाम पर प्रमोद से पैसे मांगे। प्रमोद ने पैसे देने के लिए दोनों पुलिसकर्मियों को दोपहर बड़ा गांव चौराहे बुलाया। इसी दौरान एंटी करप्शन टीम पहले से ही वहाँ मौजूद खड़ी थी। प्रमोद ने दोनों सिपाहियों को 1700 रुपये निकाल कर दिए। पीछे से एंटी करप्शन टीम ने घूस लेते दोनों पुलिसकर्मियों को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। प्रमोद कुमार नाम के एक व्यक्ति जो कि ग्राम धुरिया के रहने वाले हैं, उनका कोई मुकदमा 6 ACM के यहाँ 307 का चलता है जिसमें वो गवाह है और वो दिनांक 28/8/2019 को ये बड़ा गांव चौराहे में गए थे। इनको दो सिपाही रवीन कुमार और दीपक जो कि थाना इलाहाबाद के हैं, उन दोनों सिपाही ने पकड़ लिया और कहा कि तुम्हारा वारंट है। इसने कहा कि किस मामले में, तो इन्होंने बताया कि तुम्हारा वारंट है उस मामले में है। तो सिपाहियों को इस व्यक्ति द्वारा शिकायतकर्ता द्वारा बताया गया कि भाई ये तो मैं इसमें गवाह हूँ और आप मुझे छोड़ दीजिएगा तो इसमें ले जाके बंद करेंगे, तो नहीं तो आपको जो है 1700 रुपया रिश्वत देने का पड़ा। शिकायतकर्ता ने कहा कि मेरे पास इस पर पैसा नहीं है, 30 तारीख के लिए प्रबंध करते हुए शिकायतकर्ता द्वारा जो है आप बताई गई बात करी है और वायदे के मुताबिक गिरफ्तार की। सर, शिकायतकर्ता से कितने रुपये मांगे, डिमांड की गई थी इन लोगों ने, आरोपियों ने? 3 धाराओं में मुकदमा लिखा गया। कहाँ से गिरफ्तारी की गई, इनकी गिरफ्तारी कहाँ से की गई? इनकी गिरफ्तारी बड़ा गांव चौराहे के पास। सर, मुकदमा कहाँ पंजीकृत हुआ है? इसलिए मुकदमा थाना पटना में। किस थाने में तैनात हैं ये दोनों कांस्टेबल? सर, ये दोनों कांस्टेबल थाना शाहबाद में। मूल जनपद के आगे का? सर, भाजपा के बयानवीर विधायक सुरेंद्र सिंह ने बसपा सुप्रीमो मायावती समेत अन्य विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जब दीपक बुझने वाला होता है तो ज्वाला बहुत तेज निकलती है। मोदी जी और योगी जी के चरित्र के सामने सब समाप्त हो जाएंगे। विपक्ष लगभग समाप्ति की ओर है। बलिया में इन दिनों परसदी विद्यालयों के छात्रों के साथ भेदभाव का मामला सुर्खियों पर है। इस पर मायावती के ट्वीट पर कहा कि बहन मायावती के चिंतन में दोष है। इस दौरान उन्होंने ओम प्रकाश राजभर पर भी तंज कसा। भाई, आज दिशा की बैठक थी। दिशा की बैठक में जिला के सभी कार्यों पर चर्चा होती है, विभाग के कार्यों की समीक्षा होती है और आगे के लिए कार्य करने के लिए प्रेरित आदमी करता है। सर, देखा जा रहा है कि जिस हिसाब से नेताओं के, चाहे मायावती हों चाहे वो राजभर जी हों, विरोधी जो हैं, जो प्रतिपक्ष के लोग हैं, वो काफ़ी आक्रामक नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी ट्वीट कर रहे हैं, मायावती ट्वीट कर रही हैं और राजभर जी का तो आपको पता ही है। तो अभी क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए पत्रकार जी, जब दीपक बुझना होता है ना तो बहुत ज्वाला बहुत ज़बरदस्त निकलती है, भीतर का उद्गार है। तो ये दीपक बुझने वाला है, बुझ चुका है। अब सभी पार्टियों का, विपक्षी पार्टियों का, मोदी जी और योगी जी के चरित्र के सामने लगभग इन सब समाप्त हो जाएंगे और मृत प्राय पार्टी हो चुकी है। तो मरते समय कुछ ना कुछ विशेष बेचैनी होती है, तो मरते सब वही बेचैनी इन सबों को परेशान कर रही है, उस बेचैनी में बोल रहे हैं। भारत यूनाइटेड नेशंस के 14वें ग्लोबल कन्वेंशन की मेजबानी कर रहा है जिसका आयोजन ग्रेटर नोएडा में किया जा रहा है, जिसके चलते सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। देर रात थाना बादलपुर पुलिस चेकिंग कर रही थी, इसी दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ के दौरान बदमाशों द्वारा चलाई गई गोली लगने से एक दरोगा घायल हो गया।
पुलिस की जवाबी कार्रवाई में गोली लगने से बदमाश रोहित व गंगू गंभीर रूप से घायल हो गए। उनके दो साथी पुलिस को चकमा देकर मौके से फरार होने में कामयाब हो गए। बुलंदशहर पुलिस को मुखबिर की सूचना पर बड़ी सफलता हाथ लगी है। उत्तर प्रदेश के रास्ते बिहार से ले जाई जा रही 35 लाख रुपए की तस्करी की शराब बरामद की गई है। साथ ही पुलिस ने दो शराब तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस की गिरफ्त में आए दोनों युवक हरियाणा के रहने वाले सुक्कन और राज सिंह बताए जा रहे हैं। आज सिकंदराबाद पुलिस ने बहुत अच्छी कार्रवाई करते हुए एक कैंटर पकड़ा जिसमें करीब 502 पेटी अंग्रेजी शराब जिसमें इंपीरियल ब्लू और रॉयल स्टैग शामिल है जो हरियाणा में बेचने के लिए बनी थी उसको लेकर के जाया जा रहा था। सूचना पर इसे पकड़ा गया है। ये शराब बिहार ले जाई जा रही थी और इसमें दो व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई है। अनुमानित कीमत करीब करीब शराब की 35 लाख के आसपास और जो गाड़ी है वो भी करीब 15 लाख रुपए की है। तो अनुमानित कीमत जो 50 लाख रुपए की इस तरह की अवैध कार्य में फलित वस्तुएं बरामद की। पश्चिमी यूपी में लगातार बच्चे चोरी की अफवाहों पर प्रशासन सख्त नजर आ रहा है जिसके चलते बुलंदशहर में एसएसपी के आदेश पर सभी स्कूलों में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है जिसमें सीओ और थानेदार बच्चों को जागरूक कर रहे हैं। पुलिस का कहना है कि किसी के बहकावे में ना आए, अप्रिय घटना की आशंका पर पुलिस को सूचना दें। एसएसपी संतोष कुमार ने बताया कि लगातार बच्चा चोरी के शक में घटनाएं घट रही हैं। ऐसे मामले सामने आने के बाद कार्रवाई की गई है। कई मामलों में मुकदमे भी दर्ज कर कई लोगों को जेल भी भेजा गया है। हमारा प्रयास है कि सभी लोगों को जागरूक करना है जिससे कोई भी आदमी कानून अपने हाथ में ना ले। चलिए देखिए कि अफवाह है जो पूरे प्रदेश में बहुत तेज़ी के साथ फैल रही है और लोगों को सजग और जागरूक करने के लिए हमने दो तीन तरह से अभियान चलाए हैं। सभी थाना क्षेत्रों में उस क्षेत्र के सभी ग्राम प्रधानों की बैठक कर की जा चुकी है। इसके अलावा चौकियों पर भी जो स्थानीय लोग हैं और जो ग्राम प्रधान हैं उनकी अलग से बैठक की गई है। जहाँ पर इस तरह की घटनाएँ हुई हैं उसमें हमने बहुत सख्ती के साथ कार्रवाई की है। अब तक 20 से अधिक लोग गिरफ्तार करके जेल भेजे जा चुके हैं। आज से एक अभियान हमने पूरे जनपद में चलाया है। जितने प्रमुख विद्यालय हैं जहां 300 से अधिक के छात्रों की संख्या है वहां पर थानों से लोगों को भेज करके और सारी घटनाओं का दृष्टांत सहित विवरण प्रस्तुत करते हुए बच्चों के दिमाग में इस बात को भरने का हम प्रयास कर रहे हैं कि ये पूरी अफवाह है और किसी भी रूप में इससे प्रभावित न हो बल्कि आसपास के परिवेश को इससे मुक्त करें। तो ये अभियान चल रहा है और हमें लगता है कि निश्चित तौर पर इसके सार्थक परिणाम आएंगे क्योंकि इतने बच्चे इतने परिवारों को जाकर सेंसिटाइज करेंगे, सारी घटनाओं के बारे में बताएंगे किस तरह की घटनाएं अफवाह के रूप में बच्चा चोरी से जुड़ करके आई। तो ये प्रयास हमारा है, जन जागरूकता का भी है और कानूनी कार्रवाई का भी है, पूरा ध्यान रखे। बदलते भारत में बढ़ती योजनाओं में सरकारी कर्मचारियों की समस्याएं भी बढ़ गई हैं जिसको लेकर धरना प्रदर्शन का दौर शुरू हो गया है। इसी कड़ी में बांदा जनपद के विकास भवन में ग्राम विकास अधिकारी संघ और ग्राम पंचायत अधिकारी संघ ने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। संघ के जिलाध्यक्ष ने बताया कि विगत वर्ष ग्रेड पे को लेकर आंदोलन किया गया था जिस पर सरकार ने हमारी मांगों को मानते हुए एक समिति का गठन किया था। समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है लेकिन अभी तक ग्रेड पे पर सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की है। किस मामले को लेकर आप लोग धरने बैठे? ये ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत अधिकारी समन्वय समिति जो एक साझा मंच है हमारे केंद्रीय नेतृत्व द्वारा 3 सूत्री मांगों पर 2018 जून में एक आंदोलन किया गया था जिसमें हमारी शैक्षिक योग्यता स्नातक ग्रेड पे 2800 करने की मांगे थी जिसको शासन ने स्वीकार करते हुए एक समिति बनाई थी। समिति ने अपनी रिपोर्ट भी सरकार को सौंप दी लेकिन सरकार उसको लागू नहीं कर रही। इसके क्रम में सरकार का ध्यान आकर्षण करने के लिए यह एक दिवसीय धरना कार्यक्रम आयोजित किया गया है प्रत्येक जनपद में उत्तर प्रदेश। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।